हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू कर रही हूँ नेहा हर्बल मेहंदी का। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। इसकी नेट क्वांटिटी है 140 ग्राम और एमआरपी है 60 रुपीज़। सो ये हर्बल मेहंदी है, जैसे इसके ऊपर आप पिक्चर से ही देख सकते हो कि इसमें एलोवेरा, हिबिस्कस पाउडर और कॉफ़ी मिला हुआ है। बाकी इसमें लिखा हुआ भी है हेना हर्बल हेना हेयर कलर एनरिच्ड विथ एलोवेरा, ग्रीन टी, शिकाकाई, हिबिस्कस, आंवला एंड नीम। और ये हर्बल बेस है, बट ये है एक हेयर कलर ही, बट ये मेहंदी बेस हेयर कलर है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ तो इसमें है हेना पाउडर, हरड़, आंवला, बहेड़ा, शिकाकाई, हिबिस्कस पाउडर, फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर, नीम, ग्रीन टी, एलोवेरा, कॉफ़ी, कत्था, भृंगराज और ब्राह्मी। सो एज़ पर माई व्यू इसमें सारे ही ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। सो इसको आपको थोड़ा सा, अगर आप सेंसिटिव स्किन है तो आप पैच टेस्ट कर सकते हो, बट मैंने इसको पहले यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं पैच टेस्ट नहीं करूँगी। और इसे बच्चों की पहुंच से आपको थोड़ा दूर रखना है। तो बाकी सिंपल है ये, आप इसमें जो इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नेहा हर्बल मेहंदी शोज़ इक्वली गुड रिजल्ट्स ऑन बोथ मेन एंड वुमेन। सो इसको दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। टू कीप योर हेयर हेल्दी एंड शाइनी फॉर लॉन्ग टाइम यूज़ हेना हर्बल मेहंदी एटलीस्ट वंस इन अ वीक। सो एज़ पर दियर रूल रिकमेंडेशन आप इसको एक बार वीक में लगा सकते हो। डिफरेंट कलर टोन्स विल अपीरियन ऑन डिफरेंट शेड्स ऑफ नेचुरल हेयर। सो जैसा भी आपका हेयर है, आपके बाल ग्रे हैं या ब्राउन हैं या लाइट ब्राउन है, उसके ऊपर ये कलर करने के बाद अलग सा लुक उसका दिखाई देता है। तो अलग अलग डिफरेंट कलर टोन पे डिफरेंट डिफरेंट लुक इसका आएगा। नेहा हर्बल मेहंदी अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हर्ब्स मेक्स हेयर सॉफ्ट, लॉन्ग, थिक एंड शाइनी। These herbs also help prevent hair fall and dandruff. So है ही आंवले से आपका dandruff कम होता है, एलोवेरा smoothen और शाइनी भी करता है बालों को, शिकाकाई और आंवला दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इवन मेहंदी भी बहुत अच्छी है। मुझे पता नहीं, बहुत सारे पार्लर्स में और सलून्स में तो मेहंदी यूज़ करने के लिए नहीं कहा जाता। तो अगर आप हेयर कलर करते हो तो मेहंदी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अगर आप हेयर कलर नहीं करते हो तो आप मेहंदी यूज़ कर सकते हो, इससे भी बहुत सुंदर कलर आता है। सो इसकी शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स। सो जो मुझे अच्छी लग रही है, मेरे अकेले के लिए तो ये काफ़ी है। और सो इसमें एक आपको मेहंदी का हर्बल लुक दिखाई देगा। तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं, और पेस्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए इसका पेस्ट बना के बना लेते हैं और फिर मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो इसका टेक्सचर नॉर्मल ऑल मेहंदी के जैसा ही है, बट ये ज़्यादा ग्रीन नहीं है। ये देखिए हल्की हल्की सी मेहंदी का कलर प्रॉपरली इस कलर का होता है जिस कलर का इनका पैकेट है, बट थोड़ा सा ये लाइटर लग रही है। तो मैं 2 स्पून ले रही हूँ और मैं आयरन बोल यूज़ कर रही हूँ। तो ये 2 स्पून मैंने मेहंदी ली है। मैं अभी फ़िलहाल इसका ट्रायल कर रही हूँ इसलिए मैं, चलो एक चम्मच और ले लेते हैं, 1 स्पून 3 स्पून मैंने लिया है। और जैसा कि हमने पढ़ा इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स हैं, आंवला। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई मेथी 1 चम्मच। मैं चम्मच में मेहंदी है इसलिए इसको नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये 1 चम्मच मैं इसके अंदर मेथी पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें बस इसमें बाकी सब कुछ तो है ही। अगर नहीं है आपकी मेहंदी, अगर कोई और मेहंदी यूज़ कर रहे हो तो उसमें कॉफ़ी पाउडर और आंवला पाउडर आप मिक्स कर सकते हो। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी ऐसे मिक्स हो जाएगी। ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि पानी डालने से ना फिर वो बहुत ज़्यादा फ्लोई हो जाती है, इतनी फ्लोई फिर लगाने में बहुत प्रॉब्लम करती है, और अगर आप खुद से लगा रहे हो तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो इसको हम इस कंसिस्टेंसी पे अभी 40 से 45 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दो घंटे मतलब तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया है मुझे इसको भिगोए हुए। तो ये देखो आप, ये ब्लैक हो गई है काफ़ी हद तक। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आप देखो मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। कुछ लोग बहुत फ्लोई कंसिस्टेंसी रखते हैं तो वो उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ्लोई रखोगे ना तो फिर वो बहती है, गिरती है बालों से। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है। आप चाहो तो जैसा आप रखना चाहते हो वैसा भी रख सकते हो। इसको अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मेरा गिर नहीं रही है। और ये कटोरा का ना यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा काला ब्लैकिश हो जाती है, बालों में भी अच्छा ब्लैक इफेक्ट आ जाता है उससे, तो थोड़ा ब्राउनिश आजकल बन जाता है। ये पूरा मिक्स कर लिया है। मेथी हमने डाली थी वो भी फूल गई होगी, बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं तो मैं इसका यही देख रही हूँ कि इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जैसे बोले हैं वो हैं कि नहीं हैं। मैंने हेयर वॉश कर लिया है देखो अच्छे से, बालों को डिवाइड कर लेती हूँ। बालों को डिवाइड करके अच्छे से कोम कर लेती हूँ हल्की हल्की, क्योंकि बाल रफ हो जाते हैं थोड़े से। मैंने ऑयलिंग किया था उसके बाद मैंने शैम्पू कर लिया। तो कलर लगाने से पहले जो भी आप कलर लगा रहे हो, चाहे मेहंदी का लगा रहे हो चाहे नॉर्मल कलर लगा रहे हो, तो आप एक बार शैम्पू कर लो तो बालों पे अच्छा इफेक्ट आता है। तो मैंने ये शैम्पू कर लिए, आप क्लीन हो गए देखो। तो मैंने एक हाथ में ग्लव्स पेयर कर लिया है, क्योंकि एक हाथ से ना हमें बालों को सेपरेट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। ये मैंने ब्रश ले लिया है। आप मेरे बाल देख सकते हो आगे से भी काफ़ी ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। मेरे बाल बहुत अच्छे नहीं हैं। आई एम रियली, बचपन से अपने बालों के लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि ये सही रहे, लेकिन सो ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ फिर आप मिलती हूँ दोबारा। तो ये मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है जितना हो पाया मुझे, जैसे आया अपने आप से, मुझे आता नहीं है ज़्यादा। देखिए पूरा ब्लैक दिख रहा है। अब देखते हैं इसका कलर रिव्यू कैसा आता है। तो अभी वेट करना पड़ेगा 2 घंटे। आप इसे 1 घंटे भी रख सकते हो, पर मैं इसे 2 घंटे रखूँगी क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा ग्रे और वाइट हैं, तो मैं इसको 2 घंटे रखूँगी। वैसे 1 घंटे में भी, उसमें तो 90 मिनट लिखा हुआ है, तो 90 मिनट मीन्स 1.5 घंटा। तो 2 घंटा मैं रखूँगी, उसके बाद मैं वॉश करके आपको इसका रिव्यू दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है, मेहंदी को जो मैंने लगाई थी। और एक एप्लीकेशन के बाद अच्छा कलर आया है, और इससे ये प्रूव होता है कि इसमें एक्स्ट्रा कलर ऐड ऑन नहीं किया गया है। जो मेहंदी का और हिबिस्कस का जो रियल कलर होगा वही आपके बालों के ऊपर आएगा, एक्स्ट्रा कोई कलर इन्होंने ऐड नहीं किया है। तो मेहंदी तो स्लोली 1, 2, 3 एप्लीकेशन के बाद ही आपको उसका इफ़ेक्ट पता चलता है। बट अगर बालों की कंडीशन को देखें ना, हम अगर बालों के टेक्सचर को देखें इस मेहंदी का अप्लाई करने के बाद, तो वो बहुत, तो अगर हम बालों के टेक्सचर को देखें, उसकी शाइन को देखें, तो रियली नाइस, इट्स वेरी नाइस। टैंगल भी पूरा निकल गया है, तो इसका मतलब इसमें एलोवेरा है। उस एलोवेरा से ही आपके बाल इतने टैंगल फ्री होते हैं, क्योंकि एलोवेरा शाइन करता है और स्मूदन भी करता है। मैं वैसे भी एलोवेरा अप्लाई करती हूँ हेयर्स पे, तो इसमें मैंने नहीं डाला है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ से मेरे बाल ज़्यादा वाइट थे, ग्रे। तो किसी भी हिना का कलर आफ्टर 1, 2, 3, 4 एप्लीकेशन के बाद आता है, तो उसको भी मैं 1-2 बार अप्लाई करूँगी, उसके बाद इसका कलर आई थिंक प्रॉपर दिखाई देगा। बट जितना भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ये बेटर लग रही है मेरे को। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बालों के लिए हार्मफुल तो नहीं है बिल्कुल भी। और हिबिस्कस हो गया और एलोवेरा हो गया, ग्रीन टी हो गया, ये सब बालों के लिए अच्छी हैं। तो हफ्ते में 1 बार
आप हिना पैक लगा सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर आप दही भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बाल थोड़े सॉफ्टन एंड स्ट्रेटन हो जाते हैं। सो चलिए, ये था मेरा रिव्यू इस ब्रांड का, नेहा मेहंदी का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं कुछ टाइम बाद और भी रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, जितना हो सकता है टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ सो प्रेशियस, इन्जॉय एवरी मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।